तो जरीना किचन में आपका स्वागत है। आज हम खिचड़ा बनाने वाले हैं पाए का। इसके लिए हमने चने की दाल आधा पाव ली है, मूंग की दाल आधा पाव ली है, तुअर की दाल आधा पाव ली है, मसूर की दाल आधा पाव ली है, आधा किलो भड़ा लिया है हमने, ये देखिए आधा किलो भड़ा लिया है, आधा किलो पाए लिए है। इसे उबाल करके अब हम तैयारी करेंगे। हमारी दाल जो दालें लिए थी हमने, ये दालें हमारे गल चुकी है और भरड़ा हमने अभी तक हुआ नहीं, तो वो एक सीटी लेने के लिए रखा है। ये हमने पावसर टमाटे की प्यूरी बना कर ली है, दो नींबू का रस लिया है, ये खिचड़े का मसाला है, किराना शॉप पे मिलती है वो लेकर आए थे हमने, दो चम्मच लिया है, धनिया पाउडर दो चम्मच लिया है, मिर्ची पाउडर दो चम्मच लिया है, जीरा दो चम्मच लिया है, आधा पाव अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, एक चम्मच हरी मिर्ची ली है पीसकर, और पाव से प्याज ली है हमने, हरा धनिया और पुदीना, तेल गरम की रखा है, उसमें अभी हम प्याज डाल देंगे। प्याज को अच्छे से लाल करके लेंगे। प्याज अच्छे से लाल हो चुकी है, इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, जो हमने पीस कर लिया था वो हम डाल देंगे। इसमें अभी हम हरी मिर्ची जो एक चम्मच ली थी वो भी डाल देंगे, और ये सभी मसाले भी इसमें डाल देंगे, और इसे अच्छे से भूनते रहेंगे। अंदर टमाटर की प्यूरी भी डाल देंगे, और हल्दी हमने दाल को गलते टाइम ही डाल दी थी इसलिए इसमें नहीं डाल दी। बड़े देखिए इसे भी अच्छे से लाल होने के लिए कर देंगे, थोड़ा पकने के लिए रख देंगे। और हमारा भड़ा भी अच्छे से उबल गया है। दोस्तों भड़े का भी खिचड़ा बनता है और घी को कूट कर भी उसका भी बनता है, लेकिन हमने भड़ा ही लिया था। मसाले हमारे अच्छे से देखिए पक चुके हैं, उसके तेल छूट गया है, इसमें हमने जो पाए उबाले थे वो डाल देंगे। देखिए हमारे पाए हमने डाल दिए, अब जो दाल हमने उबाल कर लिए है वो दाल भी इसमें डाल देंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें हमारा भड़ा भी डाल देंगे जो अच्छे से उबल गया है। सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करके लेंगे और हमारा कोथमीर पुदीना ये हरा धनिया ये भी डाल देंगे इसमें। देखिए दोस्तों बहुत टेस्टी और बहुत अच्छी लगती है ये। अब हम डाल देंगे और इसको अच्छे से पक के लेंगे, इसको अच्छे से हिला देंगे। देखिए दोस्तों बहुत अच्छी डिश है, बहुत टेस्टी है। स्वादानुसार नमक डालेंगे और इसे थोड़ा सा पकने देंगे 2 मिनट के लिए। ये हो चुका है, इसे अभी हम निकाल लेंगे। देखिए दोस्तों आपको अगर मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको चाहिए तो हरी मिर्ची का हलीम भी बना के आपको हम अगली रेसिपी में दे सकते हैं।